मैं अक्सर अनजान देशों में जाता हूँ और नए दोस्त बनाता हूँ, पर अब की बार मैं एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए एक जाने पहचाने से देश में आ गया हूँ। अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड का कारवां आ पहुँचा है अजरबैजान में। यूरोप और एशिया के बीच खड़े कॉकेसस माउंटेन में बसे इस छोटे से देश में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम मिलेंगे कुछ दोस्तों से और होंगी बहुत सारी मजेदार बातें, खाएंगे अजरबैजानी पकवान और जानेंगे एक प्राचीन धर्म के बारे में जिसका इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और हम तैयार हैं कैपिटल सिटी बाकू में लैंड करने के लिए। तो यहाँ पे बोल्ट और उबर दो ऐप्स चलती है, मेनली यही दो ऐप्स चलती है टैक्सी के लिए। बाकी आप एयरपोर्ट पे भी अंदर से टैक्सी ले सकते हैं, बस सर्विस है बट वो हर दो घंटे में है। वो करीब 1.5 अजरबैजानी करेंसी मनात जो होती है वो लेती है। मनात के बारे में बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये मेरी टैक्सी है जो मैंने बोल्ट पे बुलाई है और मेरे ड्राइवर जो है उनका नाम है समीर। तो नाम बड़े इंडियन जैसे यहाँ पे बहुत सारे। ये टैक्सी मुझे पड़ी है 5 मनात और 30 टिपिक। टिपिक सेंट्स को बोलते हैं मनात के, तो करीब बोल सकते हैं रफली 5.5 मनात का मुझे फेयर पड़ा है। एक ह्युंडई i30 कार है और ये हमारे ड्राइवर हैं। ये अब जा रहे हैं एयरपोर्ट पे लॉग आउट करने के लिए अपनी टैक्सी का नंबर, ताकि हम आगे एग्जिट कर पाए। बहुत ही मॉडर्न, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है बाकू का। आई वुड क्लियरली से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट दैट आई हैव एवर विजिटेड। एंड सिटी की रेपुटेशन भी यही है कि बहुत मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिकॉज अजरबैजान की इकोनॉमी में मेन जो इनकम सोर्स है वो ऑयल है। यहाँ बहुत सारा ऑयल है। नेशनल ऑयल कंपनी सोकार मेन वेल्थ ड्राइवर है कंट्री, और मैं और लास्ट 10 साल में यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम्स में इंक्रीज हुआ है और नेशनल वेल्थ जो है काफी बड़ी है, जिसका बहुत सारा पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री स्पेंडिंग में गया है। तो आप देखेंगे कि पूरा बाकू, उसकी रेपुटेशन है इट्स लाइक दी मिडल ईस्ट में जैसे दुबई है, ऐसे ही दुबई ऑफ द कॉकेसस रीजन, विच इज द रीजन सराउंडिंग अजरबैजान, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है उस रीजन को कॉकेसस बोलते हैं। तो वहां का दुबई है ये। जो हमारे ड्राइवर है समीर साहब यहाँ पर, ये बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलते हैं बट फिर भी इतने फ्रेंडली हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग बहुत फ्रेंडली हैं। इनफैक्ट मैंने जब टैक्सी बुक करी तो मुझे एयरपोर्ट पे इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ऐप पे कॉलिंग फीचर था बट सिम कार्ड मेरे पास था नहीं। सिम कार्ड एयरपोर्ट पे बहुत महंगा है। मैं ट्राई करूंगा कि सिटी में आपको बता पाऊँ सिम कार्ड के बारे में। तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उन्होंने उन्हें फोन भी बुलाया मुझे यहाँ तक इनके पास छोड़ने तक आए। तो लोग बहुत 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 फ्रेंडली हैं और ये मैंने खास तौर पे अजरबैजान के बारे में सुना है, खाना और फ्रेंडलीनेस, ये दोनों के लिए पॉपुलर है अजरबैजान। बाकू की सड़कों का कमाल है। मात्र 20 मिनट में मैं अपने एयरबीएनबी पहुंच गया और अब बाकी बातें वहीं पहुंच के करते हैं। ये मेरा एयरबीएनबी अपार्टमेंट है। ये छोटी सी किचनेट है, वेल इक्विप्ड, पूरी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है। ये छोटा सा लिविंग रूम है, कोट डाइनिंग है एंड ये बेडरूम है, काफ़ी बड़ा है, अभी लाइटेड नहीं है। तो ये मुझे मिला है पर नाइट 27 अजरबैजानी मनात। मनात जो करेंसी है मैंने बताया था 45 रुपीज के बराबर एक मनात है। काफ़ी बड़ी है क्वांटम में बट अगेन जो खर्चे हैं वो रिलेटिवली छोटे हैं, एक मनात दो मनात इस तरीके से खर्चा आता है। तो यानी कि रफली मुझे पड़ रहा है करीब करीब 1,085 बोल लीजिए 1,100 रुपये पर नाइट में मेरे पास पूरा 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। एंड ये सिटी सेंटर में है बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल बाहर यू नो लोकेलिटी है सारी, मैं दिखाऊंगा आपको। जो बाकू का एयरपोर्ट है उसका नाम है हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदर अलीयेव अजरबैजान के प्रेसिडेंट का नाम है और उन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट का नाम है और बहुत सारी चीज़ों का नाम है इनफैक्ट यहाँ पर उनके नाम पे। और वो बेसिकली जब से अजरबैजान USSR से इंडिपेंडेंट हुआ यानी कि 1990, तब से लेके अब तक
वही प्रेसिडेंट है, तो उन्हें ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है। बट जो भी आप कहिए, उनके रेन में डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत हुई है। फिर भी कई लोग डेफिनेटली ये भी मानते हैं कि और हो सकती थी, ज्यादातर कंपनीज जो है वो खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही रन करते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सारे ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनकी उनकी इंटरनल फैमिली मेंबर्स और जो भी उनके क्लोज सर्कल में लोग हैं उनको मिल जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली हैदर अलीयव पिछले 31 साल से विराजमान है और उनकी बनाई हुई बाकू सिटी है मॉडर्न जो हमें दिखाई दे रही है आज। एक तरफ सी है, कैस्पियन सी, और एक तरफ कॉकेसस माउंटेन्स है, इसीलिए कॉकेसस माउंटेन्स के कारण ही इस रीजन को कॉकेसस बोला जाता है। तो इस तरीके की ज्योग्राफी है, बहुत ही नेसल्ड है, प्रोटेक्टेड है ये रीजन, और ईरान से बहुत दूर नहीं है, तो इन्फ्लुएंसेस सभी जगह के यहाँ पर आते रहे हैं, क्रिश्चियनिटी भी, इस्लाम भी, और उससे पहले यहाँ पे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी कि जो आज इंडिया में पारसी धर्म बोला जाता है, वो लोग भी एक समय यहाँ रहा करते थे, यहाँ हुआ करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर ज़ोरोएस्टर टेम्पल है, बहुत बड़ा फायर टेम्पल, फायर की बड़ी इंपॉर्टेंस है पारसी रिलीजन में। तो पारसी एक्चुअली पारसी लोगों को पारसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पर्शिया से आए थे, यानी कि पर्शिया यानी कि जो प्रेजेंट डे ईरान है, जो आज शियाइट मुस्लिम है, वो एक समय एक्चुअली वहां पर इस्लाम हुआ ही नहीं करता था, वहां पर यही ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो रिलीजन है, आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक कर पा रहा हूँ, वही हुआ करता था मेजॉरिटी रिलीजन। और फिर जब इस्लाम आया तो उन्हें इंडिया में रिफ्यूज मिली थी गुजरात में, और वो लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में और बहुत अच्छी पॉजिटिव आइडेंटिटी रखते हैं और उन्हें हम पारसियों के नाम से जानते हैं। तो उनके मंदिर को भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देख पाएं, बहुत 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 पुराना वो टेंपल है, फायर टेंपल, एंड बहुत बड़ा पॉपुलर साइट है अज़रबैजान की। तो बाकू कम से कम 15 से 2000 साल पुरानी है, इतनी तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑलरेडी है बाकू की, उससे पुराना हो सकता है शहर। और कॉकेसस रीजन में ये सबसे बड़ा शहर है, मतलब जॉर्जिया, आर्मेनिया, सदर्न रशिया, अज़रबैजान, ये पूरे रीजन को मिला दे तो बाकू सबसे बड़ा शहर बाय पॉपुलेशन बनता है, जिसकी पॉपुलेशन करीब करीब ऑफिशियली 25 लाख की है, नॉन ऑफिशियली डेफिनेटली कुछ 30 से 40 लाख तो डेफिनेटली होगी। तो स्प्रॉलिंग बिग सिटी है, बहुत मॉडर्नाइजेशन लास्ट कुछ सालों में हुआ है जैसे मैंने बताया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अपग्रेडेड है, क्लीनलीनेस है, ग्रीन है, बहुत मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स बने हुए हैं, तो बहुत अलग लुक एंड फील है, बहुत यूरोपियन फील है। अज़रबैजान की जो लैंग्वेज है अज़ेरी, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिमिलर है टर्किश से, ज़्यादातर लोग यहाँ पर टर्किश बोल और समझ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रशियन भी काफ़ी चलती है, काफ़ी लोग स्पेशली पुरानी जनरेशन में रशियन जानते हैं, बिकॉज ये USSR का पार्ट रहा है, तो ये एक और USSR कंट्री है जो मैंने विजिट किया है। अलॉन्ग विद मेनी अदर नेशनैलिटीज, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी अज़रबैजान में प्री अराइवल ई वीज़ा फैसिलिटी अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है और पासपोर्ट का स्कैन और बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लगभग 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा आपकी मेल में आ जाता है और इससे आपको 30 डेज तक अज़रबैजान में रहने की परमिशन मिल जाती है ओवर द नेक्स्ट 90 डे पीरियड। मैं जाऊंगा ओल्ड सिटी एक्सप्लोर करने के लिए एंड एक अज़रबैजानी फ्रेंड से आपको मिलाता हूँ जो कि बहुत बहुत क्रिएटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, एंड होपफुली उनसे मिलके बहुत मजा आएगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे लाला से, करेंगे बहुत सारी मस्ती और ढेर सारी बातें, घूमेंगे ओल्ड टाउन को और जानेंगे अज़रबैजान के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लाला से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। अगर मजा आ रहा है तो लाइक हिट कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के अमेजिंग एपिसोड्स जब भी रिलीज हों आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप देखना चाहेंगे, स्पेशली अज़रबैजान के बारे में आपको जैसा भी लगता है, जो भी आपको पता है या जो भी आपको सीरीज के थ्रू पता लगे उसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।